स्वागत है मिश्रा ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और गुड मॉर्निंग, सवेरे के लगभग 10 बज गया है और मैं खाना बना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हम भी आज भाभी के साथ खाना बनाने आ गए हैं। देखिए, आज हम भी खाना बना रहे हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं सुजाता मिश्रा और स्वागत है जसवाल जी का ब्लॉग में। और मैं खाना बना रही हूँ। ताना मारते रहते हैं कि आप कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, तो मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ और ये धा रही हूँ ताकि भाई खाना बन चुका है। दिखाइए, सब्जी बनाए हैं और दाल चावल बना लिए हैं। और सर जी आएंगे थोड़ा देर में तो खाना खाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि चूल्हे पे कैसे खाना बनाते हैं, तो हम औरत हैं, हम खाना ना ऐसे बनाएंगे तो कहाँ से। वैसे दुनिया बहुत हमको ताना मारती है कि इतना दुनियादारी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। हम इसी से खाना बनाते हैं क्योंकि मेरे पास में उतना पैसा नहीं रहता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ पैसा बाहर भेजना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा मजबूरी वैसे हम इस पर खाना बनाते हैं। कमेंट कीजिए, हम गलत करते हैं या सही करते हैं। इसबाल जी हमको ताना मारते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आप भाभी इस पर काहे खाना बनाते हैं। तो बताइए, मेरे पास में उतना पैसा नहीं है। अब एक एक बार सिलेंडर भराते हैं ना, हम 4 महीना चलाते हैं, क्योंकि रात के थोड़ा रोटी बनाते हैं। हो सके रात के रोटी ना बनाए ना बनाए, चूल्हे पर बना लेते हैं और ऐसे झुक झुक के खाना बना लेते हैं। ये आप ये जो देख रहे हैं, ये धान का भूसी है। और फिलहाल दिखा देते हैं, वहाँ रखे हुए हैं धान का भूसी और उसी से हम खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना बनाना मेरा काम है। और तो कैसे भी करके खाना बना लेते हैं, पेट भूख लगा रहता है, खा लेते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम सही करते हैं या गलत करते हैं। बताइए, सही करते हैं या गलत करते हैं, वो कमेंट कीजिएगा। और औरत का काम ही यही है कि थोड़ा सा दुख सुख काटना है। और कहीं जाते हैं तो पैसा नहीं रहता है, तो इसी से बचा उचा के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और अभी अभी फ़िलहाल मैं खाना ही बना रही हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। सोचती हूँ कि अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा तो कहीं बाहर जाएंगे, क्या करेंगे। सर जी दो गैया रखे हुए हैं, गैया का सानी भूते हैं, दाना रेगुलर दाना बनाते हैं। और देख भी करते हैं, घर द्वार मेरा करोड़ की तरह है, सब बोलते रहते हैं। जो भी आते हैं लेक्चर झाड़ के चले जाते हैं, जो भी वीडियो बना कर चले जाते हैं। अब मेरा अपना नसीब का दोस्त है, दूसरा किसी का दोस्त नहीं है। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं क्या क्या करती हूँ ज़रूर हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तब तक मेरे वीडियो में बने रहें। और बताइए कि किनको धान की भूसी से खाना बनाना आता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी दीदी जो देखती है मेरी ब्लॉग, और भैया तो हो सकता है भैया तो देख भी करते हैं। तो जिनको अगर मेरा ब्लॉग पसंद हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम सही करते हैं कि गलत करते हैं। कोई कोई बोलते रहते हैं कि आप अपने बच्चे को नहीं दिखाते हैं, तो मैं अपने बच्चे को इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं। और मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं खुद ही, आप ही लोग कमेंट करते हैं, आप खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं, तो मैं क्या करूँ। प्यार कभी जात पात नहीं देखा जाता है। उमरिया का दोस्त नहीं है मेरा, नजरिया का दोस्त है। और मैं उम्र नहीं देखी मिसर जी के, हम अपना पंडित जी का सिर्फ दिल देखे हैं और बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कमेंट कीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों साथ साथ रहें, पति पत्नी, हम साथ जो होता है ना, हम सफर की तरह रहें और सदाए सुहागन रहें। सभी औरत चाहती है कि सदाए सुहागन रहें। तो अब हमको क्या कह, कभी सुने हैं साय साय का सहनता, पुत पुत का सहनता रहता है, साय का सहनता नहीं रहता है। और मेरे पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं। हम मेरे पंडित जी क्या क्या करते हैं वो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। तब तक मेरे वीडियो बने रहे और कमेंट दे रहे कि ये दीदी सही कहती है या गलत, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरे वीडियो में बने रहे, नेक्स्ट फिर हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक बने रहे, मेरे पंडित जी क्या क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, फोकस कीजिए, यही है सुजाता मिश्रा, जो अपने आप को कहती है कि मैं ये है वो है, बनाती है चूल्हे पे खाना, मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। देखिए कैसे खाना बनता है। अब इसमें एक चावल रखा गया है, अब थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा तो उतारा जाएगा। ये देखिए, फिर नीचे से चूल्हा है। अब देखिए क्या भूसी झकाएगा। धान की भूसी है, दिखाइए
मैं धान की भूसी से खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे पैसा की ज़रूरत रहती है। मेरे बच्चे लोग बाहर पढ़ता है तो उसे पैसा देना पड़ता है, तो कैसे भी करके घर चला लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इनको बताइएगा कि भाभी सही करती है या गलत करती है, क्योंकि ये ताना मारते रहते हैं और ये मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मेरा मजबूरी है, किसको रखे, तो ये मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ ही जाते हैं और साथ ही रहते हैं। पंडित जी भी बोलते हैं अच्छे, मतलब शुरू से ही अंत तक ले हम दोनों साथ ही हैं। और पता नहीं जब घर वाली आ जाएंगे तो छोड़ देंगे साथ, तब तक हम साथ में रहेंगे। और मम्मी पापा भी जानते हैं कि इन्हीं के साथ रहती है, घर उर पे रहती हैं। खाने पीने के लिए पता नहीं अच्छा लगता है खाना कि नहीं लगता, इनसे पूछिए। मेरे घर के खाना अच्छा लगता है? बिल्कुल हाँ, मैं बनाती हूँ अच्छा कि नहीं। वीडियो में कुछ प्यार के बारे में बताइए। अभी काफ़ी फिर वीडियो, एक और वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी से, जो इनके प्रेम कहानी पे सुनाया है मीडिया वाले कोई बनाए हैं, बहुत वायरल हो रहा है वो। कल बनाए आज 2 मिलियन हो गया। मैं शादी की हूँ, मैं खुद से शादी की हूँ। मेरे मम्मी पापा शादी करवा दिए हैं, तो प्यार हम किए हैं शादी मेरे मम्मी पापा का। मैं अपने टीचर से शादी की हूँ, बचपन से 55 तकले वो हमको जानते हैं। अच्छा। और जानते हैं क्या, जानते रहेंगे और बहुत मानते हैं हमको। पंडित जी मेरे जो हस्बैंड जी हैं बबलू भैया, वो बहुत मानते हैं और बच्चे की तरह हमको रखे हुए हैं। वैसे हम खुद, मेरा नौकरी लगा हुआ था, उनके चक्कर में नौकरी नहीं की। और प्यार का उम्र थोड़ी होता है, प्यार करना चाहिए। मैं नौकरी लगा था, मेरे बिहार पुलिस का नौकरी लगा हुआ था 2018 में, मेरा कागज आया हुआ था। अच्छा। समझिए कि मोकामा घाट में गए हुए थे, दौड़ किए हुए, बहुत ज़्यादा परिश्रम किए। और बड़ौदा बैंक में एक बार से एक नंबर से छूट गया, इसके बाद में हम पैसा नहीं इतना है जो हम फॉर्म भरे या कुछ कर खाने के लिए, तो है ही ना। और सोचते हैं कि मैं खुद क्यों पढ़ूँ, अब मेरा उम्र बीत गया है, पढ़ाई का तो उम्र नहीं बीतता है, तो मेरा उम्र तो बिता उता नहीं है, तभी हम नहीं जाते हैं पढ़ने तो के लिए। फोकस कीजिए, इसका उम्र खत्म हो गया है, ये बूढ़ी होने वाली है अब, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई अब क्या करेगी, अब खाना उना बना रही है। जसवाल के साथ है, मैं अपने पोता पोती के भी खिलाऊंगी। जसवाल का जो बच्चा होगा ना, तो हम जाएंगे तो फिर जसवाल का बच्चा का भी देखन पोषण भरण करेंगे, और साथ में हम अपना पोता पोती का देखन पोषण करेंगे। शादी करेंगे तो जाके मंच पर, अब नहीं होता है क्या बोलते हैं, परीक्षण होता है, परीक्षण मेरे पसंद की लड़की से शादी करेंगे। देखिए अभी अपना बहन से ना कराएंगे, मेरे बहन सब बहुत है, वो सब पढ़ी लिखी है। इसकी बहन सब अच्छी भी नहीं है इतना। नहीं, मेरी बहन सब अच्छी है, गलत मत कहिए, क्योंकि मेरी बहन सब इस सब का मामले में नहीं रहता, वो पढ़ती लिखती है, बाहर रहती है, दुनियादारी से उसका, क्योंकि उसके पास में गर्जियन है, मेरे चाचा हैं, चाचे लोग कहीं बाहर उधर नहीं जाने देते। हाँ, मेरे भाई लोग थोड़ा सा है, वो भी लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने देख, जो आदमी हमको टॉर्चर किया वीडियो बनाने के लिए, नहीं वही आज देखते हैं सब सोशल मीडिया पर बैठी रहती है। ट्रक अच्छा, अपने भाई के बारे में बताइए कुछ। मेरा भाई का नाम है रोहित ठाकुर नाम है, वो फेसबुक पर भी वीडियो बनाता है, मौत पे भी वीडियो बनाता है। पहले वो मुझसे, वैसे वो मुझसे छोटा है, 2 साल का छोटा है, और एक मेरा भाई 4 साल का छोटा है। मुझसे बहुत बराबर झगड़ा होता रहता है, एनी टाइम लड़ाई करते रहते हैं, मगर मानता बहुत ज़्यादा। आप अपने भाई के चैनल के नाम बता दीजिए। मेरे भाई का चैनल नहीं बनाया हुआ है, वो हमको बोलता है, देखिए हम नचनिया पार्टी हैं, सबको उतना वो सब हमको नहीं चाहते हैं, हम खुद अलग रहना चाहते हैं, बस शादी अपने पंडित जी को लेकर रहना चाहते हैं। भाई बाप किसका रहता है, शादी कर देते हैं तो क्या। अच्छा, क्या बोले हैं, नचनिया पार्टी है? मैं नचरिनिया पार्टी हूँ, मैं ठुमका लगाती हूँ। मेरे बच्चे लोग भी मेरे साथ नहीं वीडियो बनाते हैं, बोलते मम्मी आप अश्लील वीडियो पे वीडियो नाच करते हैं, कभी भी आप टना जाते हैं। कोई किसी को नहीं बोलते कि मेरी मम्मी सुजाता मिश्रा है, अब पता नहीं शर्म लगता है क्या, वो नहीं कभी नहीं बोलते। एगो गाना है ना, एगो नचनिया खातिर कनिया के भुलाइए, पंडित जी नचनिया के खातिर कनिया के भुला जाइएगा, समझ जाइए। मेरे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, कोई कायकलेप नहीं है। पंडित जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पंडिताइन को नचनिया कनिया वाला गाना सुनकर और इसको सम्मान करिए, रखिए, बाहर मत भी जाइए, उतना ठंडी बहुत है, न तो कहीं ठंडी लग गया, समझबे करते हैं। अब ठंडी लगे चाहे गर्मी रहे, पति पत्नी का भाव रही है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए बाय।